बापू संत पानक दास जी की वाणी से गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ से बापू जी फरमा रहे हैं, महामलिन अल्प मति मोरी, क्या जानू प्रभु स्तुति तेरी। बापू जी कह रहे हैं, महामलिन अल्प मति मेरी, क्या हाँ जानू प्रभु स्तुति तेरी। मेरे गुण नहीं छानी, तुम सर्व जानो मेरे अंतर जानो। बस मेरी अल्प बुद्धि है, मेरी छोटी बुद्धि है, मेरी मलिन बुद्धि है, मेरी ऐसे मेरे और आवगण मत बने देखना, क्योंकि मेरा एक क्या मिनट। जानू प्रभु स्तुति तेरी। हाँ जी, तो आपके उस्तत क्या कर सकते हैं, तेरा कीता जातो नाही है, कहते हैं ना, मैनू जो की तो ही। आप, मैं तो पुस्तक भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं पता मुझे। हाँ जी, मेरे गुण ओगुण नहीं छानी, तुम हाँ सर्व जानो मेरे अंतर जामी। सब जानते हो, अंदर हो गया तो मेरे आप अवगुण मतलब छाना मत, इसको मेरे फूलना पापा वाले कागज, लेखा मेरा अधूरा, तेरी कृपा ना सतगुरु जी मैं काटा करना पूरा, है ना, मेरी पाप पिटारी विच गंध भरिया, वही कह रहे हैं मलीन, है ना, बापू जी ना हाँ जी, बोली है सौदा मेरा काटे वाला, फड़ तकड़ी ना तू तोली। हाँ जी, आगे। हूँ ग्रह अंध कूप में पड़या, काढ़न हार तुम ही मेरे कढ़िया। हाँ, तो ये अंधे कुएं में मैं गिरा हुआ हूँ, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऐसे कुएं में पड़ा हूं, आप ही निकाल सकते हो प्रभु, आप ही निकालने वाले हो सबको वहां से। हाँ यो उपजे गुण गाऊं वे तेरे, तन में लगे विकार घनेरे। पहले पहले लाइन बोलना, क्या यूं उपजे, यो उपजे गुण गाऊं मैं तेरे, तन में लगे विकार घनेरे। कि भाई मन तो ये करता है कि मैं तेरे गुण गाऊं, लेकिन मेरे विकार शरीर में अनेक विकार लगे हुए हैं। विषय विकारों में फंसा हुआ। हाँ, काम क्रोध मद लोभ सतावे, बंद पड़े सुत पिता छुटावे। एक मिनट, बंद पिता सुत पिता, हाँ हाँ, मैं बच्चा हूं आपका पिता, आप, जी, मैं तो इसमें बंधा हूं, आप ही मुझे छुड़ाने वाला हूं, मैं इसमें बंधा हूं, आपका बेटा हूं, आप मेरे पिता हैं, वाह बहुत सुंदर। मात पिता तुम हम बालक तेरे, हाँ पुत्र बिगाड़े तो पिता ही नबेड़े। हाँ वो तो गलतियां करता रहता है, जो भी कुछ बिगाड़ के आता है वही सुवारने वाला है, आप ही निबेड़ने वाले हो पिता सारे ही जो ना, गलत पिता ही काम ठीक होता करते है, हैं। ठीक करने वाले आप हो। हाँ पुत्र अजान बिगाड़े काजा, पूत कपूत पिता ही कूला जा। वाह वाह, पुत्र बिगाड़, अभी ये जो आता है ना एक भजन आता है, तू ही बिगाड़े तू ही संवार, मैंने उसको चेंज किया है, मैं नहीं बोलता, मैं कहता हूँ इंसान बिगाड़े तू ही संवारे, वो नहीं बिगाड़ता, अपने कर्मों से हम बिगाड़ते हैं, तो इसलिए प्रभु नहीं बिगाड़ते हैं, ये तो सही बात का है, सुत बिगाड़ता है, जो आप फिर वो संवारते हैं, उसको सारा ठीक करते हैं प्रभु। हाँ, क्या है दोबारा पढ़ना, पुत्र। पुत्र अजान बिगाड़े काजा, कि जो हाँ, पुत्र है वो अज्ञान है ना, अज्ञान अज्ञानता से अनजान अपने है, सारे वो कार्यों बिगाड़ को देता है बिगाड़ता कारण काम को। हाँ है। पूत कपूत पिता ही को लाजा। हाँ पूत तो कपूत है ही, पूत कपूत हो जाए, जो पिता को उनको लाज होती है, कोई लाज रखने बिल्कुल वाले हैं या उनको पता है वो इज्जत मान रखने वाले हैं, वही उन्हीं को है सारा फिक्र और उनको सारी चिंता है। हाँ नौका अटकी भव जल माही, पार करो भावे देहो बहाई। ओ, चाहे वो पार कर दो, चाहे वो आप डुबो दो, जैसे आपके मेरी तो नौका भी भाव जल में, ये संसार के चक्रों में फंसी हुई है, ये इतना घुमन घेरी, इसको भाव जल इसको कहते हैं, टेरिफाइंग ओशन है ये, इतना मतलब कहते हैं आग का दरिया, कोई कितना इसको डराया हुआ, ये संसार में ऐसे थोड़ा हम ऐसे फंसे हुए हैं सब मोह में, ये इसको बड़ा टेरिफाइंग बताया है ओशन को। हाँ जी, भाव जा, हमरी नाव पड़ी मझ धारा, खेवट नाव उतारो पारा।
आप उतारने वाले हैं, पार उतारने वाले हैं, खेवट हैं, आप ही नैया को पार करने वाले हैं। हमारी तो मझधार में ऐसे जो फंस जाती है ना, मझधार में जहां से निकलना मुश्किल है, तो आप ही निकाल सकते हो प्रभु। बहुत सुंदर। सुरत धाय अंतर में लागी, मनसा प्रेम उजारे पागी। फिर से पढ़ो। सुरत सुर धाय हाँ सुरत धाय अंतर में लागी, मनसा प्रेम उजारे पागी। पान अच्छा पदार्थ गए कुर्बानी, तुमरी स्तुति गुरु सु जानी। तो आप ये तो ठीक है, बाकी बाद वाली दो लाइनें तो पानव देव जी वाले तो सुंदर है। सुरत धारे भाई मतलब अपनी ज्ञान भाई ज्योति से अंतर मन को। वाला सुरत जो है ना वो बताना उसका क्या मतलब है दोबारा। सुरत धाय अंतर भाई में लागी, सुरत जब मनसा जागे प्रेम अंतर मन जावे लागे। पागी। सुरत धाये आवाज अंतर क्लियर। अंतर मन लागी, मन लागे, अंतर जब सुरत में लागी। जुड़ जाती है तो अंतर में। हाँ, अंतर मन अच्छा से जुड़ जाती है। हाँ आगे। मनसा प्रेम उजारे पागी, मनसा प्रेम मनसा उजारे प्रेम मांग, उजारे तो पागी। उजारे पागी है हाँ जी, मनसा मनसा प्रेम। प्रेम, मनसा मनसा प्रेम मन उजारे में पागी। ऐसा प्रेम जागता है पागी। तो पागी का मतलब पता उपज नहीं। अच्छा प्रेम जाग जाता है। हाँ तो थोड़ा सा सूरत सब तो वही होती है ना कि लौ लगना, मतलब वृत्ति लगना है ना, सूरत हाँ लगना, वही हाँ हाँ लगना, वही लगना जी। ठीक है। जब या मन में तो प्रेम उजागर होता है। आगे। धन्य धन्य दीन दयाल हमारे, धन्य धन्य दीन दयाल हमारे। मुँह तो चूको जन्म जन्म को, कर कृपा चरणों में डारे। हूं तो चूको मतलब भूल मैं भूलनहार हूं, आप दीन दयाल हो, भूल गरीबों के आप रहे हैं। दया करने वाले हो, आप दीन दयाल हो। मैं तो भूलता चूक चूक भूल चूक मेरे से होती रहते हैं, चूका मैं इतनी गलतियां मैं करता रहता हूं हमेशा, तो आप ही हैं कृपा करने वाले। हूं तो पतित अपत पत तन ते, लाग रहियो हर नाम सहारे। हूँ हाँ तो पतित पतित मतलब अपवित्र हूँ, पतित हूँ, पापी हूँ, पतित। नीचा अपत जो पत नहीं जा, हाँ हाँ जी नीचा जो पतित के नीचा बाद क्या पतित बोला है। हाँ एक मिनट। अपत पत तन से, तन अपत से फिर पत अपत तन से। पत तन से तन से भी, तन 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 से तन मतलब मैं मलिन हूँ या पापी हूँ। पापी हाँ हो हाँ गया जी, पाप लाग से भरा रही हुआ हूँ तन से। पति हाँ का ट्विटर लाग रही हाँ है। लाग जी। रहियो हर नाम सहारे, सिर्फ बस आपने सारे एक नाम परमात्मा के सारे नाम से नाम के सहारे। सहारे आप मैं तो लगा हुआ। नाम जहाज डार दुनिया में, मुंह से पतित अनेक उधारे। हाँ उसी पे नाम के जहाज में आपने बड़ा मेरे से जो मेरे जैसे पतित है बहुत आपने उद्धार किया, बड़ों का उद्धार किया। हाँ जी विषम मैल पहले जन्मों का, मेरे तन मन भरे विकारे। वाह वाह। पहले कितने शब्द क्या पढ़ा, पहला शब्द कई जन्म तो विषम वि विषम मैल पहले जन्मों का। विषम मतलब विषम। अनेक अनेक, हाँ जी अच्छा विषम मतलब अनेक। अनगिनत, अनेक हाँ जी जन्मों के जो मेरे पाप हाँ भरे हुए थे, भर अच्छा विषम। विषम का ये मतलब ठीक है। अनेक जन्मों को पाप जो भरे हुए हैं विषम मेरे तन मन भरे विकारे, तन मन जिससे जो मेरा भरा तन मन भरा हुआ है। विषय हाँ, विकारों से। उन पहले जन्मों के मैल से मेरा तन मन जो है विकारों से भरा हुआ है। उमरो भरा हुआ है। हाँ नाम अग्नि की चिनगी, लागत तनिक सबे अघ जारे। हाँ। गुरु एक जो नाम चिंगारी भी है की, ना आपके नाम की, आपके गुरु प्यार की, आपकी नाम रहमत की की, चिंगारी से नाम सारे नाम दे मेरे जो है अग्नि ना नाम नाम दे गई, सारे नाम दे वो अग्नि जल नाम। जाएंगे। हाँ नाम गुरु की चिंगारी नाम, है
तो उसके एकदम सारी चिंगारी से सारे भस्म हो जाएंगे ये वाले जितने भी मेरे कुकर्म हैं पिछले जन्म में हो हो गए ने। ठीक है सलाम। गए जो जन भये नाम अधिकारी, तिनके कार्य आप संवारे। हाँ, जो हाँ आपके उनके नाम का सहारा जिन्होंने ले लिया, जो अधिकारी बन गए हैं, जो सारे ऐसा पाठ में साधक बन गए हैं, काम, तो हाँ सारे तो वो सारे काम प्रभु उनके आप करते कार्य आप संवारते हो। बहुत हैं। बढ़िया। राखे लाए चरण अपने सो, एक पलक नहीं कीने न्यारे। हाँ, हाँ अलग नहीं किया मुझे एक पलक भी, जब से चरणा आपके चरणों में लगे हम आपकी नारा किया तो आपकी कृपा से मैं अलग नहीं हुआ। वाह वाह, बहुत सुंदर। मानुष देह तिरण को दीनी, तिर न सके कोई यो संसारे। मानस जन्म तिरन, तिरण को दीनी ते तरने के लिए ये मानुष देह अच्छा दी है। तिरन तरने के भी पार होने के लिए दी है ना इस भावजाल से। सके जी तिर न और सके, तिर न सके कोई यह संसारे। हाँ, ये संसारे कोई आपकी अगर कृपा के बिना आपकी कृपा कुछ, बिना कोई तरना बड़ा मुश्किल है, इसे तैर हाँ के इस जाना मुश्किल है, भवसागर से पार कोई डूब होना, इस जाएगा। जोनी हाँ। से तरना बहुत मुश्किल है। तुम्हें न दोष, तुम्हें न दोष भ्रम ये भूले, हृदय सु हर चरण बिसारे। तुम्हें न दोष कि प्रभु तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष भ्रम नहीं ये है। हाँ, भूले, हम ही भ्रम में ये मार भूल गए हैं, है ना। भूल जाते हैं। हृदय सु हर चरण विसारे, हमने अपने हाँ, हृदय को, आपके चरणों को हम ही हृदय हरि से चरणों विसार को भूल जाते बुला हैं, दिया है मैंने विसारे आपको। हैं प्रभु। आपका कोई दोष नहीं, हम ही भूल जाते हैं हम ही आपको। भूल कर बैठे हैं। आदि अंत जन को प्रण कीनो, भीड़ पड़ो सब संत उबारे। कैसे? आदि आदि अंत जन को प्रण कीनो, भीड़ पड़ो सब संत उबारे। हाँ, ये आदि अंत से आपने ये प्रण किया होगा कि जो संत हैं वही उभारते हैं, संत ही सारी दुनिया ये बेड़ा पार सबका करते हैं, जो 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 गुरु कर भक्तजन गए, हैं, जो साधक हैं, उनका संत बेड़ा पार करते हैं। आपने ये एक रसूल बढ़ा दिया, अभी संतों ने बेड़ा पार करना है मेरे ख्याल से। कह पानप साहब मेरा लोभी, चरणों राचे तेई जन प्यारे। ओह माय गॉड, दोबारा से पढ़ो, बड़ा कह सुंदर लग रहा है मुझे तो। पानप भगवान कोई लोभी का क्या है साहेब? साहब मेरा लोभी, चरणों राचे तेई जन प्यारे। आप ये चरणों कह राजे तेई जन प्यारे। रहे अच्छा, मैं पता कि आज ही सवेरे सोच रहा था हैं ये इन्होंने कहा भी मेरा प्रभु भी लोभी है, जो इनको प्यार करता है ना उन्हीं को हाँ ज्यादा ये ख्याल करते हैं, जैसे एक माता हाँ मतलब ये बात, ये मैंने पता क्या सोच रहा था ऐसे ही, पता नहीं बस शावर लेते तो मुझे ख्याल आ रहा था भाई, ये अभी बीच बीच में आया था फिल्म इंडस्ट्री का भी, अपने अपने रिश्तेदारों को देते हैं, उसका एक नाम है इंग्लिश में, क्या नाम लेते हैं भी, वो करते हैं पार्शियलिटी करते हैं, उसका एक शब्द उन्होंने रखा हुआ था बीच में, बहुत चला था करण जोहर और ये वो सारे करते हैं, वो ख्याल अपने ही बंदों को देते हैं, बाहर वाला जो आता है ना नॉन फिल्मी तो उसको नहीं देते हैं, उसको क्या शब्द था रीत याद है, वो करते हैं बाइस को ऐसा कहते हैं, है बाइस को ना क्या बायस्ता। हाँ, कहते हैं। मतलब पार्शियलिटी करते हैं तो ये। हाँ, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, मैं ये पता क्या सोच रहा था, मैं कहा प्रभु भी तो यही करते हैं, वो कहते हैं ना अपने जन को उतारे, अपने भक्तों को, अपना जो उनके साथ प्रेम करता है वो भी तो वही करते हैं, प्रभु भी यही बात आ गई, लोभी है जो उनके प्रेमी है ना वो उनको, जैसे माता पिता भी जो बच्चा ज्यादा प्रेम करेगा उससे ज्यादा प्रेम कर, ये तो लोभी इतना, ये पहली बार सुना है मैंने, कभी नहीं ये लाइन सुनी, ये कमाल की, ये आज मुझे ख्याल आ रहा था, आज मुझे ख्याल आ रहा था, है कि नहीं कोइंसिडेंस, है कि नहीं कोइंसिडेंस, मैं आज ख्याल आ रहा हूं भी, हम लोगों को कहते हैं भी अपने बंधुओं का ख्याल करते हैं या अपने परिवार का, अपना वो प्रभु भी तो अपने ही भक्तों का ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं का ख्याल रखते हैं ज्यादा, ये तो असूल है, जो ज्यादा प्यार करेगा उसको ज्यादा प्यार मिलेगा, है ना।
तो ये वो शब्द मुझे बहुत ख्याल नहीं सुंदर। आ रहा है, वो पार्शियलिटी करते हैं। तो ये आज या और ये पहले मैंने किसी के संत के या किसी वाणी में सुनी नहीं बात, ये नई अभी बात सुनी पिछले मुझे ये। श्लोकों में भी मेरा आया प्रभु भी था। लोभी है, वो भी लोभी है, मीरा को प्यार करेगा और नानक को प्यार करेगा, शारदा राम को प्यार करेगा और अपने सभी संतों महंतों को ज्यादा प्यार करेगा, क्योंकि वो उसके प्यारे हैं। क्योंकि वो एक पल भी उनसे अलग नहीं होते, हर क्षण हर पल उनका नाम रहता है, तो और निष्काम से वो जो प्रेम, ये पिछले हमने श्लोकों में भी करा था कि जो निष्काम भाव से परमात्मा को याद करते हैं, प्रभु उनके मन में वास करते हैं और प्रभु के मन में वो वास करते हैं, ये हमने वाह, पिछले श्लोकों में यही पढ़ा था। ये पानव देव जी की, देखो ये थॉट कितना डिफरेंट और सुंदर थॉट है वाकई। बहुत दोबारा से पढ़ो इसको, सुंदर। दोबारा से पढ़ो, बड़ा बड़ा कमाल का। कह पानप साहब मेरा लोभी, साहेब चरणों राखे तेई जन प्यारे, चरणों माय राखे गॉड, तेई कमाल करती साहब मेरा लोभी, ये कहना बड़ी हिम्मत चाहिए प्रभु को, और सच्ची बात जन है, ये प्यारे। है सच्ची बात। प्यार कर दें वो ही तो कह बस, रहा है, जो भी लोभी तो ही है, मतलब पार्शियलिटी कर दे। लो भी वाह, तो मतलब प्यारे लग रहे, नोनू प्यारे लग रहे। हाँ हाँ लो जी, भी ओनू ए कमाल कर देती वैसे। अच्छा हाँ जी, पंथ भक्ति को पायो, अब हम पंथ भक्ति को पायो, पंथ भक्ति को पायो, अब हम पंथ भक्ति को पायो, सबे पंथ में विसर गया, गुरु अगम को पंथ बतायो, पंथ भक्ति को पायो। तो क्या बापू क्या जी, आया? पंथ भक्ति को पायो, अब हम पंथ भक्ति को पायो। वहां माए ये रास्ता मिल गया है, भक्ति का रास्ता मिल मिल गया है प्रभु, मैंने पा लिया है इसका गया, रास्ता। हाँ पंथ, हाँ। सब सबे सबे पंथ में विसर गया, गुरु अगम को पंथ बतायो। गुरु अगम, अरे गुरु अगम को आजकल के पंथ जानदार बतायो, मेहमानों ने देख गया तेरे दिमाग। कि हाँ, गुरु जी ने मुझे अगम, जिन्हें रास्ता नहीं पता था, अगम के मुझे वो बाद क्या रास्ता शब्द बता है? दिया। अगम के बाद क्या गुरु अगम को पंथ बतायो, अगम को पंथ कुपंथ, तो बतायो, कुपंथ नहीं मैं कु पंथ मैं समझा कु। बतायो। हाँ गुरु अगम को पंथ बतायो, हाँ फिर ठीक, आगे का रास्ता दर्शाया, आगे 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 का का रास्ता रास्ता दर्शाया, दिखाया रास्ता गुरु ने मुझे, रास्ता दर्शाया बताया आगे। जी, गोरक्ष ठीक। दत्त भृत हरि गोपी, पंथ गहा निरदावे, सोई गुरु ता कामे चेला, वही मोहे पंथ बतावे। गोरक्ष दत्त भृत हरि गोपी, कल भी जैसे पैसेज में ये नाम आए थे, राजा हाँ भृत हरि गोपी, पंथ गहा निरदावे, सोई गुरु ताका मैं चेला, उन्हीं गुरु का मैं चेला हूँ जिन्होंने इनको रास्ता हाँ दिखाया। जिन्होंने इनको इनको रास्ता दिखाया, उसी हाँ गुरु का मैं भी हूँ, वो मुझे भी वो तारेंगे, मुझे भी रास्ता मोहे दिखाएंगे। पंथ बतावे, उन्होंने मुझे रास्ता बताया। नारद पीपा और कबीरा, का पंथ नानक पहुंचा, मैं मैला यो सब जग मैला, वह नाम सुमर भय सूचा। नाम के साथ ही सारा सूचा होता है, मैली चीज सारे सूची हो जाती है ना, जी पर ये मात पापा का संग वो तो पै नामे कह रंग। हाँ बहुत नाविक, सुंदर। अष्टावक्र जलिंदर फक्कर, कान्हा दास मुरारी, कौन पंथ चलवे जाए पहुंचे, पंथ कहिए अति भारी। फिर से कहो, ये इस अष्टावक्र के साथ जलंधर का, जलंधर भी कोई संत तो नहीं हुआ? जलंधर वैसे राक्षस तो नहीं, हुए वो हैं। शिव जी का अंश था ना, लेकिन राक्षस उनके क्रोध मतलब अग्नि से उत्पन्न हुआ था, तो जलंधर अच्छा उनका ही अंश था और उन्हीं के ही द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी, वो किसी से मर नहीं सकता था।
अच्छा, क्योंकि जालंधर, उनका अष्टावक्र तो इतने बड़े बहुत वो ज्ञानी थे हैं, वो तो। ऋषि हुए हैं, तो उनके साथ ये दिया है। मासी जी थोड़ा सा बताएंगे, अष्टावक्र अष्टावक्र, अलग, जालंधर अलग जलंधर, और है। जलंधर आपका थी ब्रह्मा का पुत्र, थी ब्रह्मा का। अच्छा, एक है ना शिव जी जलंधर का ब्रह्मा का अंश। नहीं था, वो शिव जी का क्रोध से, ब्रह्मा वो अग्नि जो जी, समुद्र में गिरी थी तो हाँ हाँ उनके विलय से जालंधर हुआ था। और मतलब उन्होंने हाँ ब्रह्मा, जब रोने की आवाज आई तो ब्रह्मा जी ने अपनी गोदी में लिया, तो उनकी उन्होंने दाढ़ी खींची तो अश्रु आ गए, इसलिए उसका हाँ नाम जालंधर पड़ा था। हाँ जालंधर संगीता सही तो कह रही है। पढ़ा होगा, लेकिन मैंने तो पढ़ा था ब्रह्मा कि जी का उसका पुत्र बेटा नहीं है था, ब्रह्मा जी का बेटा। नहीं 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 ब्रह्मा जी का नहीं नहीं था, था ऐसा वो, लिखा है ना ब्रह्मा जी जालंधर ने गोद में ले लिया था भी उसको, तो इसलिए नहीं। शायद वो हाँ कहते होंगे उनका। जालंधर के वो पतले हाँ बड़े जालंधर पतले के, होता थे ना। लक्ष्मी, हाँ जी हाँ वो जी हाँ ऐसा जी, था, जालंधर का ऐसी पतला था था ना, जालंधर के पतली जेड़ी मैं बड़ी पढ़ी पतली थी, होता थी, मैं जेड़ी जो वृंदा वो जी का था, मर्दी पढ़ी थी ना में। हाँ तुलसी वाली, जी ओदे वृंदा, ही लिखा है, ओदे ही लिखा है। हाँ जी वृंदा का पति था ना वो, वृंदा बहुत नहीं 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 वृंदा, तुलसी, पतिव्रता थी, तुलसीलाल, हाँ तुलसी, जो बाद में तुलसी तुलसी वृंदा तुलसी बनी, जो तुलसी बनी। बनी। हाँ और वो हाँ जी, ऐसा था कि वो मर्दा नहीं, कहा था कार्तिक ने, उन्होंने भगवान कृष्ण की शादी हुई तो कार्तिक जमे थे, उन्हें मारे जलंधर में। जिनको जलंधर हाँ इतना जी, ताकतवर किसी थी कि सारे देवी देवते भी उसको तो डरते थे। को मरदा नहीं थी, हाँ, क्योंकि वो बहुत शिव शक्ति से खतरनाक पैदा हुआ था, शिव जी की अग्नि से पैदा हुआ था, इसको कोई मार नहीं सकता था। अरे प्यासी ना, मैं शिव हाँ, के मुंडे को ही जाऊंगी, और मेरा जेरा उधार है मुंडे कहानियों का सत्य भंग करने जैसा। वास्ते हाँ जी, रूप बनाया कृष्ण जी ने, विष्णु विष्णु भगवान ने जी ने रूप बना रूप के बनाया काम सत्य भंग उसका, किया, काम हाँ पतिव्रता टूटा फिर तब वो मरा था। वो वो श्राप मिल गया। ऐसा था, ऐसा था बृहस्पति जी, वह एक बार भगवान शंकर जी के दर्शन को गए थे, तो इंद्र साथ था, तो इंद्र गया था, तो इंद्र ने, भगवान शंकर जी ने इनकी परीक्षा लेने के लिए आगे लेट गए थे, तो वो पहचान नहीं पाया इंद्र, तो उसने लात मार दी और काफी कुछ बोला भगवान शंकर जी से, तो भगवान शंकर जी को फिर गुस्सा आया, तो जैसे उनका क्रोध प्रगटा तो बृहस्पति जी पहचान गई ये भगवान शंकर जी हैं, तो उन्होंने माफिया मांगी, तो भगवान ने कहा अब क्रोध जो निकली अग्नि वो भस्म कर देगी इंद्र को। तो जब प्रार्थना की बृहस्पति जी ने उनको रोकने के लिए, तो वो अग्नि समुन्द्र में गई, तो जलंधर पैदा हो, और फिर अच्छा, समुन्द्र जी ने, हम हाँ फिर समुन्द्र जी ने हाथ में गोदी लिया अपना पुत्र, बोला आगे तो फिर पता नहीं ब्रह्मा, किन्हीं मिल जाती है। कमाल है, फिर हाँ फिर बहुत ब्रह्मा जी ने बच्चे विस्तार है हमारा, बड़ा को कमाल गोदी में का, लिया, तो जैसे समुन्द्र में गए तो वो समुद्र पुत्र विशाल बन गया, था। तो समुन्द्र जी ने फिर ब्रह्मा जी को गोदी में हाँ दिया, उन्होंने दाढ़ी खींची तो उनके अश्रु आए, तो उन्होंने, ठीक। वो जो पड़ी था ना, वो तो पता नहीं माने थे की जानवर में अच्छा, है, नहीं ये हो सकता वापस आते हैं इस पे, अपना अपने प्रसंग पे। अग्नि पे जलंधर तो पैदा। ठीक है, थैंक यू सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इतना खुशी है कि हमारे जो सत्संगी बहन भाई हैं कितने ज्ञानवान हैं, इनको कितना पता है अभी सारी कथाओं का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, अब बताओ, इसके दोबारा पढ़ो, ये जलंधर और ये अष्टावक्र को साथ साथ रखा है इन्होंने, अष्टावक्र। अष्टावक्र जालंधर फक्कर, कान्हा दास मुरारी, कौन पंथ चलवे जाए पहुंचे, पंथ कहिए अति भारी। हाँ, पंथ सारे बड़े मुश्किल हैं, इस पे चलना प्रभु के नाम के ऊपर भारी है, सारे बड़े मुश्किल है रास्ते इसके, लेकिन इनके जैसे साथ पढ़ते कैसे हैं ना, जोड़ा नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, निज। हाँ, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। ये गुरु वही मार्ग, ठीक वही वाली लाइन है। है, भर चलो भर जितना जितना, लक्ष्मी, तो एक बार फिर बता दूंगी, हमें पूरा समय तो कभी नहीं लगेगा। उनका सोच जैसे गुरु अर्जुन देव जी की सोच कोई और है ना, सारे अलग अलग व्याख्या करते हैं, तो इनकी जो श्रुति पूरी प्रभु से जुड़ी होती है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा भी अगर समय ले ना इसका, तो हमें तभी भी हमारा कल्याण हो जाएगा, प्रभु माफ करेंगे, गुरु पार्वदेव जी महाराज। अगर पूरा समय नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। हाँ जी सुनाओ। भर भर दृष्टि अदेखे देखे, अकल पुरुष प्रमोदे, परम पुरुष सोई दर्शन पावे, निस दिन तन मन सोधे। ये दोबारा से पढ़ो जी और बताना मासी जी।
नागपाल जी आप भर भर संगीत। दृष्टि अदेखे देखे, भर बार बार दृष्टि दृष्टि। अच्छा दृष्टि दृष्टि अच्छा, अदेखे जरा उच्च स्वर देखे में बोला कर। हाँ अदेखे जी, देखे। हाँ, भर भर दृष्टि अदेखे देखे, अकल पुरुष प्रमोदे। अकल पुरुष प्रमोदे। प्रमोदे परम पुरुष सोई दर्शन पावे, निस दिन तन मन सोधे। प्रमोदे प्रमोदे मतलब प्रमोद कुछ खुशी दिखाई होती है। देता है, कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट है, मतलब कुछ दिखाई देता बिल्कुल है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो मेरी बुद्धि मतलब कंफ्यूज हो गई है, तो जब मालिक की दृष्टि पड़ेगी तभी मुझे असली उस अगम गोचर के दर्शन होंगे। बिल्कुल सही। परम पुरुष सोई दर्शन पावे, है ना, हाँ, परम पुरुष परमात्मा परमात्मा के का, तभी परमात्मा दर्शन होंगे। हाँ, निस दिन तन मन सोधे, जब उस दिन रोज मेरा तन मन से तन उनको मन। याद किया जाएगा, है ना। जी जी, संत अनंत पहुंच गए चरणों, संत अनंत पहुंच गए चरणों, पाया चरणों पद निर्वाणा। पाया पद निर्वाण। निर्वाणा, कई अनंत संत पहुंच गए आपके चरणों में, निर्वाण पद पा लिया उन्होंने, मुक्ति पा ली। हाँ कह पानप सो गुरु पंथ बतावे, वाह घर में मोहे जाना। हाँ जो गुरु पंथ बताएगा रास्ते जेड़ा उसी गुरु प्रकट पे रस्ता जाना है। मैं तो उसके रास्ते पे चल रही हूँ, रस्ता मुझे है, जेड़ा पाया है ना, गुरु उसके रस्ता ऊपर दसा, मैं चलना, उस रस्ते से जाना। बस उसी के रास्ते। पूर्ण जी पाते असी उत्ते सिर्फ लाइन मारनी, ऐसे डॉटेड लाइंस को एकदम कंप्लीट करना, उसी के ऊपर चलना है। लेकिन चलता नहीं है कोई मेरे जैसा, जी तो ये चलना चाहिए उनके रास्ते दिखाए हुए पे। सिंपल बात है, जो भी भक्तों का जीवन है उसके ऊपर जी चलते जाओ, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन चलना है बड़ा मुश्किल। बहुत सुंदर हो जी गया, हाँ जी जय माता वाह जी वाह। आपको भी नमस्कार है भाई रोजी, और सबको नमस्कार है, सबने जिसने भी इसका अर्थ बताया, संगीता जी और अरुणा जी और सरला मासी और नागपाल, सबका धन्यवाद है। और हरभजन सिंह जी भी जुड़ गए हैं, तो इसके बाद जी। एक 2 दिन जयकारा बाद लगा फिर दो रोजी, चलते आप एक जयकारा लगा दो फिर इसको, बाबा पानवदेव जी का लगा दिया तो इसके बाद है। ओम बापू बोल पानदेव जी महाराज, आपकी आपकी सदा सदा, बाबू ठाकुर बाबू जी महाराज आपकी सदा है, सब तन तन की है। जी वाह तो जी रो, धनवाद ना के चकर, धनवाद ना के कोशिश चकर, कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं होता, कोई नहीं ऐसे साढ़े बड़ा बड़ा काम नहीं कर तो देते साढ़े एहसान ही है, सच्ची जी। पूछो ना। मुट्ठी अरे वो जेड़े ज्ञानवान लोग बैठे ना उन्हें एहसान ही, जे सानू थोड़ी ज्ञानवान, बहुत कोई पढ़ा तो ज्ञानवान थोड़ी कोई गल नहीं पै है, जाती कोई था। ज्ञानवान नहीं थे। बस कोशिश कर कभी रहे हैं तो समझने पकड़े की, होंगे तो, हाँ थोड़ा बहुत ही कभी इधर तो पढ़े कोई होंगे तो यार, एक्यूरेट बहुत नहीं बढ़िया। पता। मैं तो जिन्ना तुहाडा धन्नवाद करा सारा, तो उन्हें थोड़ा सच्ची सच्ची दिलों कह रहा मासी, क्योंकि जे तुसी ना आओ ते मैं अकेला बैठ के 3 मिनट भी शायद ना पाठ कर सका, या मैं एक दो भजन गा के मैं कहा बस ठीक है, मैं फिर टीवी देखने लग पा या कोई होर दुनिया। ये तुसी आ रहे हो तो सत्संग चल रहा है ना, इस करके मैनू बहुत धन्यवाद करना चाहिए हर वेले भी तुसी चलो चलाया है। मालिक तेरा का भी तो तेरा धन्यवाद रोज है, धन्यवाद तेरा करिए, तेरा मामा भी जी रोज तो है, धन्यवाद। हाँ आप जी सब भी तो हमारे लिए अच्छा, बापू और जी हर का भजन सिंह धन्यवाद जी है। जो तू बैंड पर शुरू, गए, बापू जी का धन्यवाद है, यो तुहाडे बापू थ्रू जी का आज धन्यवाद है जो अपना बिठा भी देते। समा नहीं, अच्छा लंघा रहे तू ना, इस करके सब दा धन्यवाद है सत्संग, भाई, तू गुरु रूप सत्संग जरूर सत्संग बीता है, पढ़ाया उन्होंने, आपको उन्होंने एक फ्रेम थमा दी है, उन्होंने हम तेरे को आगे रोड उस पर वैध कोई दृष्टि गरीब पर को चल रोड पे सकते। रोड तो जी पर सभा सब तो आज गए, धन्यवाद। आप हर को पहले किसी ने आप भी आप लोग सुधारण पीछे, किसी ने उन्होंने आप सुधारण पीछे किसे दो मैं उसी टाइम वो कही है, बहुत तेरा धन्यवाद, बहुत तेरा धन्यवाद, वो ही नहीं, करा ना, मैं तेरे अभी तो आप पीछे जैसे उसको सानू देखे तू तो लालच है, चलाया जैसे बिल्कुल देखे। मैं तो भाई पूरा लालच होता है भी अपना समय बढ़िया जो बीत जाए तो अपना जीवन कुछ सुधार हो जाए, लालच नहीं तो है लोभी। आज तक गल मजा आ गया, आपने रोजी कमाल की बाबा पानव देव जी ने बात की भी, हाँ वो मेरा साहेब लोभी, वो दो लाइनें तो लोग आप भेज ही देना, हाँ लिख के भेज जी दो ताकि
मेरा जी सब मैं कहे पानप मेरा साहेब लोभी है, जो उसका जी प्यारा है उसी को ज्यादा प्यार करता है, वो आई जी कहते हैं। बहुत सुंदर, मेरे माता जी भी कहा करते थे, कहते भी उनको भी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है, प्रभु को भी, फिक्र ना कर। मैंने कहा ना, मुझे तो बड़ी तारीफ अपनी सुन के मैं खुश होता हूँ, जो कोई बुरी बात है, तारीफ सुननी नहीं चाहिए भी, सुननी तो चाहिए, लेकिन इतना मतलब खुश होने की क्या बात है ना, दिमाग में ना जी चढ़ जाए ऐसी तारीफ तो। लेकिन वो कहते कोई बात नहीं, प्रभु को भी तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती है, तारीफ तो अच्छी लगनी जी चाहिए जो भी करे। वाह वाह, बहुत सुंदर आज प्रसंग आया अभी, वाह वाह। हाँ जी, हम भी तो लालची हैं, पहले 4 बजे अरे फिर आप भजन सिंह जी तो सुन लो जी, 2 दिन ओ टाइम लग सर गया उन्होंने। सर, एक प्रसंग चल रहे हैं, उन्नी सुंदर गल्ला तुम्हारी, नौ राणी कह रही कविता, तो 1 मिनट सुन लो, कोई नहीं, मैं पता है सारा ना आपको सुना, कविता कुछ कह रही टाइम सुंदर सब खत्म गल्ला। हो गए ने, फिर तुम कह रहे 8 बजे भोग पाओ फटाफट, नहीं, बाकी 8 बजे चले आप जाना। पसंद पाने नहीं, कोई गल नहीं। हाँ कविता दी, एक मिनट टाइम तो सुन थोड़ा लियो, डिसिप्लिन रखो ना, सिस्टम रखो थोड़ा जहा ए टाइम का ना। 3:30 जुड़ी हुई है ने, जिन्हें जेडी गल कर रहा, 3:30 दी देर क्या हो हो गई क्या, है। आप मैं तो कह रहा कविता ना की फिर कह रही है, 8 बजे भोगा छोड़ दो, फिर गल फिर नहीं, कितने रहने, उसको बहुत पा ज्यादा दें, नहीं ना रहने, नहीं वो भी पा बाकी दें। कल नहीं कर लेंगे, आगे चलो जयकारा लगा नहीं के। आप कविता दास्ते की कहना चाहे, लोभी किमें है गया बता पान। नहीं रहे, मैं तो ये अपने आप को लोभी कह रही थी, मैं कहा नहीं हम भी तो लोभी हैं, आप 5 बजे लिंक पे थे, फिर हमने आपको 4 बजे बोल दिया, हमारा फिर भी नहीं हुआ, हम बोले नहीं आप 3:30 बजे भेज दो भाई, हमने सुखी साहब का पाठ करना है, हम भी तो आपको ओ, नहीं रहे हैं, लालची है ना हम भी तो, आपका ये बात, ये लिंक दे, ऐसा लोभ तो बोल रहे कविता बना रहे, ये लोभ जो है ना, ये वाला लोभ जो बना रहे तो बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा सुंदर लोभ है। नहीं इतना हो। जो सब, आप कितने बजे सो रहे हो, कुछ भी है, हम ये देख रहे हैं आप हमें 3:30 बजे भेज दो। ओ प्रभु जगा देता है, चाहे 5 मिनट पहले जगाए, प्रभु को पता होता है, अभी बाकी संगत वेट कर रही, उठ खड़ा हो, अठार होगी जाई को और अपना इनको भेज, उठ जा, वो अपने आप प्रभु उठा देते हैं, ऐसी आप लोगों रात की। होगी, हमारा सुबह दिन होगा, तब भी हम सोचेंगे 7:30 बजे भैया लिंक भेज दें, ये थोड़ी देखना आप कितने बजे सो रहे हो, कुछ भी हो, कल बस सुबह 7:30 बजे संडे है ना, तो सत्संग होगा। हाँ जी, 7:30 बजे सवेरे भाई, कोशिश करना प्लीज सारे जुड़ने की, जितने ज्यादा जुड़ेंगे आनंद होएगा। 7:30 बजे से 9 बजे तक 1.5 घंटा ही चलता है सिर्फ, ठीक है। बुद्ध प्रकाश जी, जय बापू जय दी। ए जेड़ी बापू जी, कविता भाई तुसी जेड़ी गल कह रहे हो ना, भी 3:30 बजे दी जुड़ियां हैगी ने, ते किन्ना 5 तो 8 दा टाइम है, 3:30 तो 8 तो 9 भी बज जाते ने, तो बापू ने टाइम वधाईता ना, 24x7 होना, देख दे रहे हो तुसी, मतलब आस्ता आस्ता। पर गल सुनो, हुण एनी आदत पै गई, मैं रोज कोई तो अच्छा आज तो नहीं है रात नूं, क्योंकि ट्यूजडे नूं इत्थे न्यूयॉर्क दी लेडीज ने वो करदे आ, असीं थोड़े जेंट्स हैगे ने, सो वो ट्यूजडे नाइट इत्थे हुंदा है, वो सैटरडे नाइट, साडी सैटरडे नाइट होएगी ना हरभजन सिंह जी, अपनी सैटरडे नाइट होएगी इत्थे हाँ जी, हाँ जी, जी। 10 तो 11:30। सो वो रोज ख्याल आंदा, अच्छा आज तो नहीं है, आज मतलब ख्याल रहता है भी, हाँ भी सत्संग रात नु, दिने रात देखो चल रहे, मैं वही थोड़ी गल याद कर रहा है, शायद दिने रात भी ऐसा चलेगा बापू ने छह रोज। सात घंटे तक कर ही दिता ना जनाब, कदी शामी कमाल भी 8 तो लैके 9 भी बज जाते हैं कई बार, आप देखे है। और मैं देख बड़ी रहा गल कि ये अपना फिर पिछले कल भी परसों भी 3 ते काफी लोग, 25 25 26 26 लोग जुड़ साथ संगत जुड़ रही है जूम दे च। ये बड़ी रहमत है ओदी, और मैं मैं पहले भी के संतां तो सुनया सी भी, वो जड़ी ना हुण उहने कंसोलिडेट करना है प्रभु ने, ये जेड़ा ना सतयुग लियाण वास्ते बहुत घट संगत रह जानी है, जेड़ी सानू प्रभु इस करके जोड़ रहा है भी अपने जेड़े ने ये रहना है आपां इस संसार ते। कईयां ने मतलब एक 650 साल पुराना एक संतां दी बाणी, कल मैं सारी देख रहा सी यूट्यूब, उन्हें जो जो गल्लां कीतियां ने किनिया ही सच्चियां हो चुकियां ने और किनिया सच्चियां होनियां ने, उन्हें तो बड़ा कुछ लिखा भी, बस सिर्फ जेड़ा जुड़े होएगा ना रब नाल, वो बहुत ही मतलब के उन्हें कोई तो कहना 33% रह जाएंगे, 30% रह जाएंगे लोग, कई उन्होंने तो लिखा भी 10% रह जाएंगे संगत सारी दुनिया से। बिल्कुल, सो वो संगत बस वो गुरु ही नानक रहेगी देव जी नहीं जिन्हां ने लगे, गुरु जेड़े इस पर जुड़े नानक हुए ने, देव वो जी, आई आत्मा वापस। 12 कोस से दीवा जलेगा, 12 कोस से तो रोशनी होया करेगी, वो ही जो बारह कह रहे कोस से दीवा जलेगा,
ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ 47 ਚ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਤ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ। ਮਾਈ ਗਾਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੈ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਨਾਗਪਾ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਓਮ ਜਾਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਫੇਰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਅੱਠਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਓਮ ਜਾਪ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਚਰਚਾ ਲਓ, ਕਰਾਂਗੇ ਓਮ ਜਾਪ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਜੇ ਹੈਗਾ 40 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਓਮ ਜਾਪ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਗਾਹਕ ਨੇ ਵਾਕਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਦਿਨ ਮੁੜੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੇਬੀ ਬੋਲਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਣਾ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਗਾਹਕ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਬੋਲਵੇ।